अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह बनाना है। ये 1 किलो चावल का बना रहे हम, तो इसमें 4 गुना पानी ज़्यादा है। अब इसमें 4 हरी इलायची डाल दिए हैं, 4 लौंग डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे और 8 चम्मच हमने नमक डाले हैं। 2 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और इसको हम ढक करके उबलने के लिए रख देंगे। चलिए अब देखते हैं, ये उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें 2 घंटा पहले भिगोया हुआ चावल है, ये गोल्डन राइस है, इसको हम डाल करके डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम 4 हरी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे हम पकने के लिए रख देंगे। चलिए अब इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखते हैं चावल कितना हमारा पक गया है। अभी ये हमारा रेडी नहीं हुआ है, मुझे चावल को 80% पकाना है। अभी इसे दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुकर के तरफ। अब हम कुकर में 1.5 किलो हमने चिकन डाला है। अब इसमें हम 2 इंच का कम से कम अदरक डाल दिया हमने, कट करके बारीक कट कर लेना है। अब इसमें 7 से 8 हमने हरी इलायची डालना है, 7 से 8 हमें लौंग डालना है, 1 चम्मच हमें काली मिर्ची डालना है, 1 छोटा चम्मच डालिएगा, 1 छोटा चम्मच हमें जीरा डालना है, इसमें शाही जीरा आधा चम्मच डालना है, 1 चम्मच हमें सौंफ डालना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 कप दही डालेंगे, 1/2 कप ही हमने ऑयल डालना है, 2 बड़े चम्मच हम नमक डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1/2 कप इसमें हम पानी डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब मिलाकर इसे हमें ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक के लिए हमें पका लेना है। चलिए अब हम ढक्कन लगा देते हैं। अब हमने चावल का पानी निकाल लिया है। अब एक मसाला तैयार करना है। ये 1 काली इलायची है जिसके बीज निकाल लिए हमने, 4 हरी इलायची है, 4 लौंग है, ये कुछ थोड़ा सा जावित्री है और 1 टुकड़ा जायफल का है। इसका हमें पाउडर बना लेना है, ये जो हमने तैयार किया है। ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला है और 1/4 चम्मच दालचीनी है। अब ये 200 ग्राम दही है, इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच, और ये फूड कलर डालेंगे हम, और इसमें हम केवड़ा वाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। चलिए अब दिखाते हैं, हम कुकर खोलते हैं। अब ये जो पाउडर मसाला हमने दिखाया था वो भी हमने इसमें डाल दिया था, वो स्किप हो गया है। चलिए अब ये देखिए हमारा ये चिकन गल गया है जितना हमें चाहिए था। अब ये सारे चिकन को हम निकाल लेंगे, स्टॉक को अलग कर देंगे और इसके ऊपर से जो ऑयल है ना इसको हम निकाल लेंगे। ये हम बिरयानी के ऊपर से डालेंगे, इसमें चावलों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम पॉट में सारे बोटियों को डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये अचार डालेंगे, जो बिरयानी का अचार आता है वो डाल देंगे हम। अच्छी तरह से चारों तरफ से इसको फैलाते हुए डालना है। अब ये जो हमने दही बनाए थे कलर वाली, अब इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम ये 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब ये स्टॉक में आधा इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम चावलों की लेयर लगाएंगे, सारे चावल को इसी तरह हम लेयर लगा देंगे। अब इसके ऊपर से हम बाकी का स्टॉक भी डाल देंगे। इसके ऊपर 1/2 कप और ऑयल डालेंगे हम। और जो हमने तीरा निकाला था उसको भी इसमें डाल देना है ऊपर से। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के हमें इसको तेज आंच पर 5 मिनट के लिए पकाना है, धीमी आंच पर 15 मिनट बनाना है। देखिए ये हमारी बिरयानी तैयार हो गया है। इसको देखिए कितना खिला खिला चावल बना है।
अपने किचन में एक बार ज़रूर बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।